देश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर 10 दिन की हड़ताल पर हैं। किसानों की तरफ से शहरों और मंडियों में सब्जी और दूध की सप्लाई ठप कर दी गई है। जहां इस हड़ताल से शहरों में सब्जी और दूध बेचने वालों के साथ साथ खरीदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूध का कारोबार करने वाले छोटे किसान भी इससे अछूते नहीं हैं, जिनके परिवार का गुजारा दूध को बेचकर ही होता, मगर फिर भी वह किसानों की इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। पंजाब को कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, मगर विडंबना यह है कि सरकार की अनदेखी के चलते किसान आज सड़कों पर हैं, क्योंकि सरकार द्वारा किसानों की फसलों का सही मूल्य नहीं दिया जा रहा, जिस कारण पंजाब का किसान कर्ज के बोझ तले दब आत्महत्या कर रहा है। ऊपर से आए दिन पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दाम किसानों पर महंगाई का बोझ और बढ़ रहा है, जिसे लेकर 5 राज्यों के किसान 10 दिनों की हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल की वजह से यहाँ रोजमर्रा की जरूरतों पर काफी असर पड़ा है, जैसे दूध, सब्जियां आदि। इस हड़ताल का ज्यादा असर दूध का कारोबार करने वाले छोटे किसानों पर पड़ा है, जिनके परिवार का गुजारा दूध को बेच कर ही होता, मगर फिर भी वह किसानों की इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। डंगर बस जी यात्री जा रहे हैं, दूध डेली का हो जाता जी, इकट्ठा 8-9 किलो हो जाता जी, कितने नहीं देते जी, घरे खराब होता जी, दो दिन पाते थे जी, बहुत मुश्किल आती है जी, खराब होता बहुत, कुछ खराब हो जाता फिर डोल दें, डंगर भुला दें, बस थोन पता ही है भी ए सा खर्चे चलते ने, हूँ खर्चे करिए भी कि कण जी का लैना देना है, वह मोड़ना भी है भी, चलो 10 दिन की दसी आ फिर मोड़ते हैं फटके, फिर हूँ ये सू बहुत ज्यादा मुश्किल होगी जी, हूँ असं की करा गे, जितों खल बड़े मैं पावे, उ है घर का गुजारा किमें होगा जी, ए सिर ही होंगे घर का गुजारा, हूँ न्याणे माड़ा मोटा घर बैठे ने, होर कोई काम कर नहीं सकते है, की करिए, डंगरां नूं भी खल बड़े नाल पाउणा जी, इहदा जी कहिंदे सोचदे आं कित्थों पावांगे, 10 दिन कित्थों खर्चा चलावांगे, बहुत औखा मुश्किलां हो जाणियां ने जी, हांजी इक दिन औखा हो जांदा दुध सांभणा जी, इन्ने दिन दा दुध बहुत खराब होऊगा जी, की करांगे, ਜਮੀਨ ਜਮੂਨ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਂ ਵੀ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਸੱਤ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਚੱਕ ਕੇ 25-30 ਰੁਪਏ ਗਾਹਾਂ, 50-60 ਰੁਪਏ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਚਾਰ ਹੈਗੇ, ਚਾਰ ਗੁੰਮਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ? 10 ਲੀਟਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ, 5-4 ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, 20-25 ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਚ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਘਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖਰਚੇ ਵਰਚੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਖਲ ਫੀਡ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰੋੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।